ईद उल फितर में हफ्ता भर बाकी रह गया, ऐसे में दर्जियों के नखरे उरूज पर हैं। टेलर शॉप पर आवाम का रश लगा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कम ही ऑर्डर ले रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से यासिर फहमीद। ईद उल फितर, जिसे छोटी ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है, सभी की ख्वाहिश होती है कि वो बन ठन कर सबसे मुनफरिद नजर आए। आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। नए कपड़ों को तो खास तौर पर बनवाया जाता है, जब ही सारा बोझ दर्जियों के कंधों पर आ जाता है। परेशानी ये है कि हमने काम की बुकिंग की होती है और 10 रमजान से ईद का काम जो है वो ज्यादा शुरू हो जाता है कि ये ना हो कि कहीं ये लॉकडाउन कर दें और हमारा काम रुक जाए। इस वक्त लॉकडाउन में दर्जियों के औकात कार भी दूसरे कारोबार की तरह महदूद हैं, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम टेलर्स ने ऑर्डर्स कम लिए हैं ताकि वो वक्त पर अपने ग्राहकों को नए कपड़े सीकर दे सकें। दर्जियों को अब फिक्र सता रही है कि वो जल्द से जल्द लिया गया ऑर्डर मुकम्मल करें ताकि वो भी ईद की खुशियाँ अपनों में मना सकें।